हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई के कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी छात्र आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं फाइनली, उनके लिए यहाँ पर आईटीआई सीबीटी परीक्षा का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। और जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आपको नीचे एक रेड का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लेना, बेल आइकन को आलू प्रेस कर लेना है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे प्रश्न आपका एक दिया गया है, जो कि आज मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी ट्रेड के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक आदर्श मशीन की दक्षता कितना होता है? तो आपके ऑप्शन ए है 100%, दूसरा आपका ऑप्शन है 80%, और तीसरा आपका ऑप्शन है 90%, और चौथा आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले, फटाफट इसका आंसर मारिए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं, यहाँ पर 100% बिल्कुल राइट आंसर है आपका फर्स्ट। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका प्रश्न दो आता है, जो कि दिया गया है बल की इकाई होता है। तो आपके ऑप्शन ए एक है न्यूटन, दूसरा है आपका न्यूटन मीटर, और तीसरा है जूल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी छात्र सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन मारे हैं, बिल्कुल राइट आंसर न्यूटन। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन ए मारे हैं, बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं। और आप लोग ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, तो आप लोग फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली क्लास मिलता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन निकल के आता है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दिया गया है यहाँ पर प्रश्न तीन में, यांत्रिक लाभ और वेगानुपात के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन एक है मशीन की दक्षता, दूसरा है भार, तीसरा है वेगानुपात, और चौथा है यांत्रिक लाभ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। जितने भी छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं या फिर देकर आए हैं, तो फाइनली आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। जितने भी छात्र वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं, बिल्कुल राइट मारे, फटाफट मारिए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र मशीन की दक्षता मारे हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका चौथा नंबर दिया गया है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डब्ल्यूसी एंड साइंस के लिए आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीटी एग्जाम फॉर एमएसक्यू है, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। जो कि आपका एक ऑप्शन है त्वरण, दूसरा है चाल, तीसरा है विस्थापन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं, आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं, बिल्कुल सही मारे, फटाफट मारिए। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है, जितने भी छात्र यहाँ पर त्वरण ऑप्शन ए मारे हैं, त्वरण बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने, पार्श्व विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन ए है प्रतिबल, दूसरा है पायसन अनुपात, तीसरा है विकृति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए पांचवें क्वेश्चन का, जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं, पायसन अनुपात बिल्कुल राइट आंसर आपका सेकेंड। जितने भी छात्र यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मारे हैं, बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका छः नंबर क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने, जो कि देखिए दिया गया यहाँ पर, चुंबकशीलता इकाई से कम नहीं होती है। तो आपके ऑप्शन ए है बिस्मत, बी है पीतल, सी है एंटीमनी, डी है तांबा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछे कि चुंबकशीलता इकाई से कम नहीं होती है। तो यहाँ पर जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आईटीआई फर्स्ट ईयर से हो, सेकेंड ईयर से हो, कोई भी ट्रेड से हो, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। सभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जितने भी छात्र छः नंबर क्वेश्चन का मारे हैं, डी ऑप्शन तांबा बिल्कुल राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सात नंबर क्वेश्चन दिया गया, रिलेक्टेंस की इकाई है। तो आपके ऑप्शन ए है एम्पियर टर्न, बी है एम्पियर प्रति वेबर, सी है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग रिलेक्टेंस की इकाई क्या है, वही आपको बताना है। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मार दीजिए बिना कहे। तो यहां पर देखिए, जितने भी छात्र सी ऑप्शन मारे हैं, एम्पियर टर्न प्रति वेबर बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स, यहां पर आपका आठ नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल होता है? तो आपके ऑप्शन ए है, यहां पर आप लोग देख लें, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, यह एग्जाम में आपको पूछेगा एक वेबर कितना मैक्सवेल होता है। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं, डी ऑप्शन जितने भी छात्र यहाँ पर मारे हैं, बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीटी एग्जाम के लिए। हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, तो आपके ऑप्शन ए है चुंबकीय वाहक बल, बी है चुंबकीय फ्लक्स और सी है रिलक्टेंस, डी है चुंबकशीलता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग इसका बिना कहे यहाँ पर आंसर मार दीजिए। जितने भी छात्र मार रहे हैं फटाफट मारिए, बहुत सी मार रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी छात्र डी ऑप्शन मारे हैं चुंबकशीलता पर, बिल्कुल राइट आंसर डी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 10 नंबर दिया गया क्वेश्चन, चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक क्या है? तो आपकी ऑप्शन ए है वेबर, बी है वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति एम्पियर और सी है एम्पियर टर्न, डी है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो आप लोग यहाँ पर इसका फटाफट आंसर मारिए। तो जितने भी छात्र यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन मारे हैं एम्पियर टर्न, बिल्कुल राइट आंसर सी होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो आपकी ऑप्शन ए है वेबर, बी है वेबर प्रति एम्पियर, सी है एम्पियर टर्न और डी है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी छात्र 11 नंबर क्वेश्चन का ए मारे हैं वेबर, बिल्कुल राइट आंसर ए मारे हैं, बहुत सही। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पहले ही सही माइंड में बैठा लें, आपके सामने ये आंसर दिख रहा है। तो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है चुंबकशीलता को प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पर चुंबकशीलता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है वही आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ए है भी द्वारा, डी है बी आपके ऑप्शन है फाई द्वारा और सी है डब्ल्यू बी द्वारा और डी है म्यू द्वारा। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी ट्रेड से हो, तो फटाफट आप लोग इसका आंसर मारिए। जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी छात्र इसका आंसर मारे हैं बहुत सही, फटाफट मारिए, मारते चलिए आंसर को। तो यहाँ पर जितने भी छात्र मारे हैं डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, म्यू द्वारा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन निकल गया था आपके सामने, निम्नलिखित में से अचालक नहीं है, यहाँ पर आपका अचालक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए है अभ्रक, बी है कागज, सी है पोर्सलिन और डी है जर्मेनियम। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए, अचालक नहीं पूछा है तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं डी जर्मेनियम पर, बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईटीआई सीबीटी एग्जाम के लिए वर्कशॉप के क्वेश्चन एंड साइंस का। तो यहाँ पर देखिए दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन का जूल बराबर क्या होता है, ठीक है, तो एक जूल बराबर क्या होता है वही आपको पूछा है। तो आपकी ऑप्शन ए है 0.34 कैलोरी और बी है 0.44 कैलोरी और सी है 0.24 कैलोरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए बिना कहे, आपके सामने आंसर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं ए, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होता है ए ऑप्शन 0.34 कैलोरी, बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी छात्र आंसर मारे हैं ए, बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं। अब फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जितने भी छात्र देखिए 15वें क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है जो कि जूल बराबर क्या होता है। तो आपके ऑप्शन ए है 0.34 कैलोरी, बी है 0.44 कैलोरी और सी है 0.24 कैलोरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका बिना कहे आंसर मार दीजिए फटाफट। और जो भी छात्र चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली आईटी क्लास मिलती है और जो आपके सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, फेज वाइज आपका एग्जाम चल रहा है तो आपका जो एग्जाम पूछता है वही आपको क्वेश्चन उठाता हूँ, वही आपका एग्जाम में भी आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर जितने भी छात्र 15 क्वेश्चन का मारे हैं ए, 0.34 कैलोरी, बिल्कुल राइट आंसर ए है। धन्यवाद।